प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित आपातकाल की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट आपातकाल को देश के इतिहास के लिए बताया काला अध्याय मणिपुर के मौजूदा हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री ने ली सर्वदलीय बैठक और अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी शहरी क्षेत्रों में जल की स्थिति नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूं सुषमा मिश्रा समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र की अपनी पहली राजकीय यात्रा के दौरान आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल मुलाकात की बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने काहिरा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए राष्ट्रपति अब्देल फत, फतेह अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नायल से सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में अब तक तेरह सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र मिस्र दौरे का आज आज अंतिम दिन है आज वे की राजधानी काहिरा में हकीम मस्जिद और हेलियो पोलिस युद्ध स्मारक पहुंचे यह युद्ध स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फलिस्तान के अभियानों में शहीद हुए तीन भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है आज ही वे मिश्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अलसीसी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई और दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा के सफल समापन के बाद कल मिश्र के अपने पहले दौरे पर काहिरा पहुंचे मिश्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबोली ने उनकी अगवानी की प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और इसे सम्मान की बात बताते हुए भारत के साथ अपने दिल के रिश्ते का इजहार किया All India, all uh, all culture about India. Kabi Kabi, me you ki. My heart Hindustani. It's just a great honor. I'm very happy. I was very excited about meeting him. It's honor to Egypt. Uh, we as Egyptian, we like search uh, and love the Indian culture, and we uh, and the Indian people. We like the Prime Minister said. We we feel no difference between each other. We love. We love. Like uh, all thing about, all, everything about India, their traditions, everything, and the people are so humble, and we feel like we, there's no difference. I was very happy to meet a great person like him, so it was an honor to meet him actually. That's a privilege. That's a big honor for us. We had at this level welcome uh, someone uh, at the level of Mr. Modi, uh, so it was really a true honor uh, to have them with us. वर्ष उन्नीस सौ के बाद से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का मिस्र का ये पहला आधिकारिक दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस कांग्रेस के अपने संबोधन में आतंकवाद पर बोलते हुए इससे निपटने के लिए किसी भी तरह का समझौता न करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि आतंकवाद और कट्टरवाद पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है भारत और अमेरिका वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एकजुट हैं। दोनों ही देश हर तरीके के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की खुले तौर पर निंदा करते हैं शुक्रवार को जारी एक संयुक्त तो बयान में भारत और अमेरिका ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की निंदा करते हुए पाकिस्तान से यह सुनिश्चित कर कार्रवाई करने को कहा कि पाकिस्तान के नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिए न किया जाए व्हाइट हाउस की ओर से जारी आधिकारिक संयुक्त बयान में 26 ग्यारह मुंबई और पठानकोट एयरबेस हमलों के अपराधियों को न्याय के घेरे में लाने का आह्वान किया गया जिसमें सभी यूएन सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों अलकायदा आईएसआईएस, लश्कर ए तोयबा जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिद्दीन के खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात कही गई है आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूएस कांग्रेस के अपने संबोधन में आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए इससे निपटने के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि 9-11 के दो दशक और 26 ग्यारह मुंबई के एक दशक से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी आतंकवाद और कट्टरवाद अभी भी पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है 9 11 and more than a decade after 26 11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity. And forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का विरोध करने वाले हिम्मती लोगों और देश की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की है उन्होंने एक ट्वीट में आपातकाल को देश के इतिहास में काला अध्याय बताया श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के विपरीत है और इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट में कहा कि आज के दिन एक परिवार ने अपने हाथ से सत्ता निकलने के डर से जनता के अधिकारों को छीन और लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा था वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल को आज अड़तालीस साल बाद भी एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है दूसरी ओर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्ष 1975 में आज ही के दिन देश में आपातकाल लागू किए जाने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है श्री ठाकुर ने कहा कि आपातकाल में लाखों निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया और इस दौरान प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी लोक लगी रही थी श्री ठाकुर ने आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वालों को याद किया देश 25 जून इमरजेंसी के यानी कि आपातकाल को नहीं भूल पाएगा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश के ऊपर जो इमरजेंसी थोपी थी देश के हजारों नेताओं को जेल में डाल दिया अत्याचार किए गए नसबंदी से लेके ना जाने क्या क्या किया और यहाँ तक कि अखबारों के ऊपर भी जिस तरह से अत्याचार किए गए पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया गया काला अध्याय अगर देखा जाए तो भारत के 75 साल के इतिहास में 25 जून 1975 है जहां मध्य रात्रि में आपातकाल लगा दिया गया था और देश के लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी थी बहरहाल आपातकाल को लेकर देश में लोगों के अलग अलग विचार सामने आते रहे हैं जो लेकिन जो लोग उस दौर में रहे हैं वे ही बेहतर तरीके से आपातकाल को समझ सकते हैं मणिपुर के मौजूदा हालात पर नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा आदि शामिल हुए इस दौरान गृह मंत्री ने मणिपुर की समस्या के समाधान के लिए सबको साथ लेकर चलने की बात कही और वहां जल्द से जल्द हालात सामान्य किए जाने की दिशा में सरकार के प्रयासों की जानकारी ली गृह मंत्री ने बताया कि मणिपुर में छत्तीस हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए किए गए हैं और भारतीय पुलिस सेवा के चालीस अधिकारियों को मणिपुर भेजा गया है राज्य में 20 बीस चिकित्सा दल भेजे गए हैं और दवाओं सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक के दौरान गृह मंत्रालय के मणिपुर में हिंसा के कारणों और इसके समाधान के लिए अब तक किए गए उपायों पर सभी दलों के साथ विचार विमर्श किया उन्होंने बताया कि सभी दलों ने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर गृह मंत्री को अपने सुझाव दिए यथाशीघ्र वहाँ शांति बहाली हो और ये हम सबके लिए एक जानने योग्य विषय है की जून तेरह के पश्चात एक भी जान की क्षति मणिपुर में नहीं हुई है किस प्रकार से इसी प्रकार की स्थिति जहां कोई जानो माल की क्षति ना हो इसको कायम रखा जा सके इसके लिए आगे जो भी करना पड़ेगा माननीय गृह मंत्री जी ने सभी पॉलिटिकल को आश्वस्त किया गया। किया गया है कि वो कदम उठाए मणिपुर में पिछले डेढ़ महीने से अधिक समय से रुक रुक कर हिंसक घटनाएं हो रही हैं। गृह मंत्री ने पिछले महीने मणिपुर का दौरा किया था और राज्य में शांति बहाली के लिए विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुकमावासियों को संबोधित किया इस दौरान सांसद दीपक बैज भी उनके साथ मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने सुकमा के 303 करोड़ रुपए के सड़क पानी स्वास्थ्य शिक्षा जैसे विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया उन्होंने रामाराम में रॉक गार्डन का भी उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि इन कार्यों के पूरा होने से सुकमा में अधोसंरचना मजबूत होगी मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुकमा की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है लोग रात को भी पहुँच सकते हैं तेंदुपत्ता का पैसा

सामूहिक विवाह के आयोजन को लेकर महिला और बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी गुरप्रीत कौर ने बताया कि सामूहिक विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत मिलने वाली पच्चीस हजार रूपए की राशि को बढ़ाकर पचास हजार रूपये कर दी गई है इसमें पंद्रह हजार रूपए की अन्य सामग्री दी जा रही है जिला बाल विकास विभाग द्वारा आज शहर की और राजनांदगांव ग्रामीण क्षेत्र की कुल तेईस जोड़ों का विवाह हो रहा है जिसमें चार बौद्ध जोड़े भी शामिल हैं और जैसा आप सबको पता है कि अभी जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि दुगनी कर दी गई है और अब पच्चीस हजार के स्थान पर पचास हजार की राशि का प्रावधान है जिसमें इक्कीस हज़ार उनको चेक के माध्यम से दिया जा रहा है और बाकी जो विवाह आयोजन और इसमें हम उनको पंद्रह की जो उनके लिए उपहार सामग्री है और इसके अलावा श्रृंगार सामग्री हम उनको क्रय करके दे रहे हैं सामूहिक विवाह कार्यक्रम में तहसीलदार सहित अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में महिला समूह की महिलाएं मौजूद रहीं मानसून के दस्तक के साथ ही देश भर के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है दिल्ली में आज सुबह से ही बारिश हो रही है मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक देश के मध्य पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में भारी बारिश की संभावना है इसके अलावा ओडिशा और झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है इधर छत्तीसगढ़ में भी शनिवार रविवार देर रात से कई जिलों में लगातार बारिश बारिश हो रही है बारिश के चलते मौसम पूरी तरह से बदल गया है लोगों को गर्मी में काफी राहत मिली है मौसम विभाग की माने तो जून में पिछले साल की अपेक्षा 70 प्रतिशत कम बारिश हुई है लेकिन जुलाई के महीने में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है दुर्ग और भिलाई के अलावा बिलासपुर में भी कई घंटे से हो रही लगातार बारिश से कई जगहों पर जल की स्थिति देखने को मिली लोग रेनकोट और छाता लेकर बारिश से बचते नजर आए लोगों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से उन्हें गर्मी से राहत मिली है हालांकि इस बार छत्तीसगढ़ में मानसून देरी से आने की वजह से किसानों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई है सामान्यतः 10 से 15 जून तक खेती की जुताई कर बुआई का, का काम पूरा कर लिया जाता था अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिश्र के सर्वोच्च राज्य के सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित आपातकाल की बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट आपातकाल को देश के इतिहास के लिए बताया काला अध्याय मणिपुर के मौजूदा हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री ने ली सर्वदलीय बैठक और अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी शहरी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति के साथ ये समाचार समाप्त हुआ नमस्कार